नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड के बारे में। कई सारे टीचर्स का 1 लाख रुपया बर्बाद हो गया और कॉल करते हैं, सर देखिए ना 1 लाख रुपया हम तो डिजिटल बोर्ड ले लिए थे, ठीक है, और कहीं पे 1 लाख रुपया में तो हम लोग डिजिटल बोर्ड ले लिए थे और आप लोग 1 लाख 10 हज़ार में दे रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं ले पाए सर आपसे और आज बर्बाद हो गए हैं। सर कॉल नहीं उठा रहा सर डिजिटल बोर्ड जिसे लिए, तो ये जो वीडियो है सबसे सस्ता अवेयर करने के लिए है, कहाँ पे जाके टीचर फंस जाते हैं अभी के समय में, कहाँ से खरीदना चाहिए, कहाँ से आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये सारे चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टीचर यदि बात की जाए तो 1 साल का 1.5 साल का मेहनत लगा करके 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जमा करते हैं, तब जाके वो डिजिटल बोर्ड लेते हैं। ज़मीन बेच के, बिहार यूपी की बात की जाए तो कई सारे टीचर्स ज़मीन बेच के, कई सारे टीचर्स अनाज बेच के, जैसे मकई बिकेगा सर तब लेंगे और वो लेते हैं, धान बिकेगा सर तब लेंगे और वो लेते हैं, फसल भी कटेगा सर तब लेंगे और वो लोग लेते हैं, ठीक है। इसलिए आज का जो ये वीडियो है सबसे सस्ता अवेयर करने वाला वीडियो है। कई सारे टीचर्स अभी पटना ब्रांच से, हम हैं क्रिएटर्स माइंड कंपनी से, कई सारे टीचर्स आते हैं, लगभग 1 से 2 टीचर यही प्रॉब्लम लेके आते हैं, सर देखिए डिजिटल बोर्ड तो ले लिए लेकिन फंस गए हैं सर लेकर के, और आपसे भी बात किए थे, आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था लेकिन हम लोग नहीं ले पाए, ठीक है, उस समय में आप अच्छे से सारा चीज़ गाइड किए थे। और कई सारे लोग इसी टाइप से आते हैं, करते हैं, ठीक है, और हम लोग समझाते भी हैं, कई लोगों को हम लोग फ्री में भी सारा चीज़ दिए हैं, जहाँ पेमेंट लेने की बात आता है वहाँ हम लोग पेमेंट भी लेते हैं, ठीक है, जो टीचर से कमिटमेंट किया जाता है वो कमिटमेंट पे हम लोग उतरते हैं, ठीक है। तो नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग पिछले 6 वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। यदि आपको भी एक स्मार्ट क्लास सेटअप का जरूरत है, आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है, ऐप बनवाना है अपने कोचिंग के नाम से, और 100% ऐप आपका होगा, क्योंकि बिहार और इंडिया की बात की जाए यदि कोई भी कंपनी ऐप बना के देता है तो 100% टीचर का ऐप नहीं होता, हो सकता है, क्योंकि हम 100% दावा के साथ आपको बताते हैं वो उस कंपनी का ऐप होता है, वो आपका ऐप नहीं होता है। और हम लोग जो क्रिएटर्स माइंड देते हैं 100% आपका ऐप होता है, हम लोग 100% आपको सेटिस्फाई करके देंगे, साबित करके बताएंगे आपका ऐप कहाँ हुआ और आपका ऐप कहाँ नहीं होता है। आप हमें कॉल कीजिए 9973725719 पे, क्रिएटर्स माइंड के नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिए, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी हमारे टीम के द्वारा दिया जाएगा। हम लोग पिछले 6 वर्षों से ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में काम कर रहे हैं, जिसमें कि टीचर्स यदि ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन कैसे आना है, या ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों साथ साथ कैसे पढ़ाना है, यूट्यूब पे चैनल एक घर को कैसे स्टूडियो में बदल सकते हैं, हम लोग सारा चीज़ करके देते हैं। तो आप हम लोग पिछले छः वर्षों से काम करते आ रहे हैं और 100 से अधिक लोगों का हम लोग का टीम है, जिसमें कि हम लोग सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक टीचर को एक जगह से सारा चीज़ मिल जाता है, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग सेटअप, माइक, पीसी, ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं, नोट्स बना के देते हैं अपने कोचिंग के नाम से, और कोचिंग का मार्केटिंग भी करते हैं। इसलिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे। अब देखिए, आज की यदि बात की जाए तो सबसे सस्ता टीचर फंसते कहाँ पे हैं, पेमेंट दे देते हैं उसके बाद टीचर जो है फंस जाते हैं, क्योंकि जब उनका डिजिटल बोर्ड आ जाता है, अभी कई सारे लोग का 2 मंथ हुआ है, कई सारे लोग का 3 मंथ हुआ है, 4 मंथ हुआ, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास भी 50 लाख है, आप भी 25-30-40 डिजिटल बोर्ड लेके बेच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम आता कहाँ पे है। हम लोग पिछले 6 वर्षों से है इस फील्ड में, हम लोग को पता है एक टीचर कितना टेक्निकली जानते हैं, कितना टेक्निकली नहीं जानते हैं, ये सारा चीज़ों को। इसलिए अब कोई दे रहा है आपको 3 ईयर्स वारंटी, वो मार्केट में उसका आना 6 मंथ हुआ है, उनको पता है 3 साल में कितना क्या क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं पता है। वो आपको बेचने के लिए दे दिए, वो आपको बेचने के लिए 5 साल दे दिए, क्या वो पता है उनको कितना दिन मार्केट में हुआ है, उनको मार्केट का नॉलेज है? इस टाइप से ऐसे लोगों को चूज कीजिए, ऐसे कंपनी को चूज कीजिए जिसको कि सारा चीज पता हो। सबसे पहला नंबर ऐसा नहीं कहते हैं, क्रिएटर्स माइंड कंपनी को चूज कीजिए, आप कोई भी कंपनी को चूज कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कंपनी चूज कीजिए जो बेहतर हो, तो सबसे पहले ये। दूसरा क्या चीज है, रिव्यू। अब क्या चीज़ है, कोई भी कंपनी का रिव्यू, अब क्रिएटर्स माइंड का है, रिव्यू खराब हुआ तब क्यों लीजिएगा, पहले रिव्यू को देखना है। रिव्यू का मतलब जो पहले टीचर्स ले चुके हैं उसका क्या रिव्यू है, क्रिएटर्स माइंड के तहत वो क्या बोलना चाहते हैं, सही कंपनी है कि खराब कंपनी है, किस टाइप से, पहले रिव्यू को देखिए, ठीक है। उसके बाद टीम, जैसे बताया अपना 100 लोगों का टीम है, वो भी यूथ लोगों का, आप किसी के पास यूथ लोगों का टीम नहीं देखिएगा। हम लोग जैसे AI आता है तो टीचर्स को बताते हैं सर AI पे कैसे आप बढ़ सकते हैं आगे, जो 2 घंटा का काम है आपका सर आधा घंटा में कैसे कर सकते हैं, और यूथ लोग हमेशा मोटिवेट रहते हैं। अभी भी बज रहा आपका, देख लीजिए 0042, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइम को, ठीक है, 43 आपका हो रहा है, ये बज रहा है 12:43 और वीडियो बन रहा है, तो आप लोग का सपोर्ट है सर ये चीज़ें, ठीक है।
तो ये क्या है, सबसे पहला आपका हो गया कंपनी, दूसरा आपका हो गया रिव्यू, और तीसरा हो गया टीम, और चौथा हो गया ऑफिस। अब देखिए ऑफिस आपका नियर बाय में रहेगा तब जाके आप वहाँ पे अच्छे से सर्विस ले लीजिएगा, यदि नियर बाय में नहीं रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं बोलते हैं प्रॉब्लम होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नियर बाय में रहेगा तो कभी भी विजिट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखिए डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो सबसे पहला आता है कंपनी पे डिपेंड करता है सस्ता होगा या महंगा होगा, ठीक है। अभी यदि मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में 100 प्लस कंपनी मार्केट में दौड़ रहा है, मार्केट में हर एक दिन नया कंपनी बन रहा है, तो क्या वो सब सही है? नहीं है सब सही। ये क्या 100 प्लस सही नहीं है, सिर्फ 10 कंपनी ही बेहतर है, बेहतर सर्विस प्रोवाइड करता है। सर कौन सा 10 कंपनी है, तो आप क्रिएटर्स माइंड टीम को कॉल कीजिए, आपको हमारा टीम अच्छे से गाइड करेगा कौन सा 10 कंपनी बेहतर है। कैसे करें सर कॉल, आपको नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो कंपनी क्या है, 100 कंपनी है जिसमें 10 कंपनी ही बेहतर है, आप वही 10 कंपनी को चूज कीजिए। दूसरा नंबर की यदि बात की जाए साइज, तो साइज पे प्राइस डिपेंड करता है। तो मार्केट की यदि बात की जाए 65 इंच का आता है आपका, ठीक है, फिर आप 75 इंच का आता है आपका, ठीक है, फिर आपका 86 इंच का। तो मार्केट में मुख्य रूप से ये तीन साइज का पैनल अभी आ रहा है, आने का 55 इंच का भी आता है और आपका 98 इंच का भी आता है। 98 बहुत बड़ा हो जाता है, 55 बहुत छोटा हो जाता है, तो मुख्य रूप से टीचर्स जो चूज करते हैं इसी साइज का करते हैं। तो कंपनी के बारे में पता चल गया, साइज के बारे में पता चल गया, ठीक है। उसके बाद होता है वारंटी गारंटी, कुछ डिजिटल बोर्ड कंपनियां जो है वारंटी देती है, कुछ गारंटी देती है, कुछ 3 ईयर्स के लिए देते हैं और कुछ 5 ईयर्स के लिए, तो डिपेंड करता है इसी चीज़ों पर, ठीक है, कौन सा कंपनी का आप ले रहे हैं और कितना समय के लिए दिया जा रहा है। एक प्राइस की बात की जाए तो सबसे सस्ता की यदि बात की जाए तो वही साइज 65 इंच का आता है, ठीक है। और ये जो वीडियो है शुरू में भी बताया गया था, ये अवेयरनेस वीडियो है, ठीक है, एक टीचर कहाँ गलती करते हैं उस चीज़ों को बताने के लिए है। तो 65 इंच का डिजिटल बोर्ड लगभग आपका अभी के समय की यदि बात की जाए 95,000 से आपका मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये देखिए जैसे मोबाइल है आज 16,000 का है तो 2 साल बाद वो उस मोबाइल का वैल्यू जो है 12,000-13,000 रहता है, 3,000-4,000 घटते और बढ़ते रहता है, लेकिन ज़्यादा मार्केट में घटते रहता है। ये डिजिटल बोर्ड लगभग आपका 1,05,000 रुपया में, 1,10,000 में हम लोग सेल करते थे, अभी 95,000 1,00,000 में सेल होता, 1,20,000 में भी 65 इंच होता था। कहे कि समय के साथ साथ क्या होता है, प्राइस उसका डाउन होते जाता है, ठीक। 75 इंच की यदि बात की जाए, ठीक है, 75 इंच की यदि बात की जाए तो 75 इंच का आपका आता है 1,25,000 से आपका स्टार्टिंग हो जाता है, डिपेंड करता है वही ब्रांड के ऊपर। और पहले यही चीज़ जो है आपका 1,50,000 क्या है, 1,50,000, 1,60,000 नॉर्मल प्राइस 1,50,000 था। 81 इंची की यदि बात की जाए, ठीक है, ये आपका 1,80,000, 1,90,000 तक में मिल जाता है, और इसी चीज़ का पहले जो है 2,20,000, 2,10,000 मिनिमम प्राइस था, ठीक है, ये मिनिमम प्राइस है इतना, इससे ऊपर भी मिलता है, इससे भी ऊपर मिलता है, इससे भी ऊपर मिलता है, तो ये एक लगभग प्राइस है। यदि आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है, आपका भी सपना है कि स्मार्ट क्लास लेने का, तो लगभग अपने प्राइस में इस चीज़ों को जो है मेंशन कीजिए, अपने जेब में इतना प्राइस लेके चलिए, तब जाके आप इस चीज़ों को कर पाएंगे। तो यही हुआ एक स्मार्ट क्लास सेटअप, ये आपका डिजिटल बोर्ड का प्राइस है। और यदि स्मार्ट क्लास सेटअप की यदि बात की जाए तो उसमें कैमरा भी आता है, माइक्रोफोन भी आता है, लाइटिंग सेटअप भी आता है और पीसी भी आता है। तो ये 5 इक्विपमेंट्स मिलकर जो है आपका फुल स्टूडियो सेटअप बनता है, 5 इक्विपमेंट्स मिलकर, ठीक है। तो आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी से सारा चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है, जिसका कि नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है 9973725719। आप हमारे टीम को कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे से गाइड करेगा कौन सा बोर्ड अच्छा होता है, कैसे लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, सारा चीज़ों के बारे में जानकारी आपको देगा।